देखो गाइस, जब इससे काम पे लगाया है, काम चोर आदमी को। काम चोर में कितने खाना पीना बर्तन वासन सब कर चुकी है। हाँ कर चुकी है। पानी बड़ा लापत पड़ रहा है। उए, ये क्या हो गया बउआ? छेक 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 जल्दी छेक, भाई पूरे में फैला जा रहा है। वो ऐसा काम तो कर ही क्या ही? पानी डालने को बोले, मैं पानी डाल रही हूँ। तेरे पार पे डाल दो ना। बस रहन दे अभी। देख और फिर वहां से भी निकलने लगेगा। तो ये है खाना हमारा, मूली और सब्जी रोटी। तो हम दोनों ही बैठकर खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद काम पे लगेंगे, वरना ये सब काम जो होता है बहुत हार्ड वर्क होता है। और पहले खाना खा ले। कैसी बनी सब्जी? अच्छी। तो मटर आलू की सब्जी है। सर्दियों में जो नए नए मटर आए हुए हैं और आलू, इनकी सब्जी बनाई है और रोटी। तो यहाँ पे दीवार बनाने के लिए नींव खोदी जा रही है, यानी कि थोड़ा सा गहरा गड्ढा किया जा रहा है, क्योंकि दीवार इसी लेवल से अगर हम उठा देंगे तो वो मजबूत नहीं रहेगा, गिरने का डर रहेगा वो बारिश के दिनों में, इसलिए इतना खोद खाद के। कल यहीं से वीडियो हमने बंद किया था और आज यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम वीडियो की। तो ये देखिए, ऐसे खोद दिया जा रहा है, गहरा खोद दिया जाएगा और यहाँ पर फिर से दोबारा मिट्टी भर दी जाएगी, यानी कि दीवार की जो स्टार्टिंग होगी वो यहीं से होगी। तो यहाँ पे ये देखिए, नी खोद दी गई है, मतलब कि जो धरती का लेवल है उससे थोड़ा नीचा कर दिया है, नीचे तक खोद दिया है, ताकि जो दीवार है वो धरती के नीचे सतह से उठे और धरती के लेवल से ना उठे। उससे क्या होगा कि मजबूती रहेगी, और अगर इतना गहरा करके खोद के और तब अगर दीवार उठाएंगे तो मजबूती बनी रहेगी दीवार में। तो ये जो भाई साहब हैं ये अभी खुदाई कर ही रहे हैं, और आस्था के पापा क्या करेंगे कि इसमें पानी डाल देंगे ताकि मतलब गीला हो जाए, और जो ये दीवार उठाएं तो वो अलग अलग सतह ना रहे, एक सतह हो जाए, जुड़ जाए। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है, थोड़ा देर गीला हो जाएगा, जब ये पानी धरती सोख लेगी उसके बाद यहाँ से नीचे लेवल से दीवार उठाना शुरू करेंगे। मिट्टी की दीवार मोटी ही बनाई जाती है, पतली नहीं बनाई जाती। पतली बनाएंगे तो या तो इधर को गिर जाएगी या उधर को गिर जाएगी, लेकिन मोटी दीवार बनाने से ना इजी रहेगा, मजबूती रहेगी और सही रहेगा। जब यहाँ से मिट्टी यहाँ लगाएंगे तो दरारें ना पड़े, तो इसलिए ऐसे पानी डाल के फुला के छोड़ दिया है। एक दीवार उधर से आएगी ऐसी, और एक दीवार ऐसी, गेट यहीं पे सोच रहे हैं लगाने का। और इसे देखो, मेरे कपड़े खा रही है मैं बातें कर रही हूँ, और इसे देखो, और इन्हें भी देखो। तो यहाँ पे मैं और आस्था के पापा गोंदा बनाने लगे हैं। वो उनका काम है कि वो दीवार बनाते हैं, और मैं और ये जो भाई साहब लगे हुए हैं ये गोंदा बनाते हैं, यानी कि मिट्टी को गोल गोल करके सिमटा के और एक जगह रखना होता है, उसे कहते हैं गोंदा। मतलब कि देखिए, ये मैंने जो बना दिया, ऐसे तो मिट्टी है ना ये, मतलब इनमें काफ़ी गैप है और पानी डालने के कारण फूल जाती हैं, तो मतलब ज़्यादा दिखते हैं, इन्हें समेटना होता है, और समेटने को ऐसे गोंदा कहते हैं। वैसे लेकिन छोटे छोटे गोंदे बनते हैं, और वो भी बहुत ढेर में, घंटों भरों में। ये बन गया एक गोंदा, गोंदा कहते हैं इसे, माटी का। यहाँ पे ऐसे दीवार उठाने का स्टार्टिंग हो गया है। पिछले बार बहुत ध्यान है, जब हमने ये वाली दीवार बनाई थी।
दो साल पहले हम ही तीनों लोग थे, हम एक दो तीन, हम तीनों लोगों ने दीवार बनाई। ये वाली दीवार और ये वाली गेट वाली मिट्टी की बनी पड़ी है। साइड जो ना हो सही, पानी डाल के रखे थे। यहाँ से ये इतनी हमने वहां तक अभी उठा दी है। अभी ये लोग गोंदे नहीं बना पा रहे, इनसे अभी गोंदे नहीं बन रहे। अब बना तो रहे हैं, आप इतनी जल्दी जल्दी दीवार खींच रहे हो तो क्या करें, इतनी जल्दी तो इतनी मिट्टी खत्म कर दी। हमें भी दिखा दो कितना काम कर रहे हैं। काम का इतना तो कुछ नहीं कर रही, एक तो आधे पे धूप आ रहा है, आधे पे तो समझ भी नहीं आ रहा कुछ। तो मेरे पूरे ही आंगन में मट्टी मट्टी हो गया है, यहाँ तक कि जिस कमरे में भी जा रहे हैं ना हम लोग, वहां भी मट्टी मट्टी हो जा रहा है, वो भी कमरा गंदा हो जा रहा है। तो कल इतना काम पड़ गया था ना के मत पूछिए, दोनों कमरे साफ करने पड़े, फिर जहाँ देखो वहाँ। तो ये देखिए इतना दीवार हमने उठा दिया है, थोड़ा सा इस तरफ से, थोड़ा सा इस तरफ से, और गेट यहाँ आएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से भी दीवार उठेगी और गेट यहाँ रहेगा। तो छोटा ही बना रहे हैं, इतना बड़ा किचन नहीं बना रहे हैं, और इतनी दीवार उठा दी है। मिट्टी ख़त्म हो गई थी इसके कारण रुक गया था काम, मिट्टी भी खत्म हो गई थी और थोड़ा इसे सूखने के लिए भी चाहिए था कि सूख जाए, धूप लग जाए, हवा लग जाए इनमें, तब इनके ऊपर दोबारा से मिट्टी चलाई जाए। नहीं तो अगर ऐसे ही डायरेक्ट हम चलाते जाएंगे तो टूटने का चटकने का डर रहेगा। तो यहाँ पे आस्था के पापा मट्टी नार लगाकर ये जो टुकड़े टुकड़े पड़े थे तो ये लगा देंगे, जिससे दीवार को जल्दी से ऊंचाई मिल जाएगी, जल्दी से उसका ऊंचाई का लेवल पड़ने लगेगा, इसीलिए ये लगा दिए हैं रोड़े। वैसे और भी रोड़े थे लेकिन इतने ही रोड़े लगाए, और देखिए उसके ऊपर से फिर इन्होंने मिट्टी से ढक दिया है और मिट्टी लगा दिया है ताकि ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ती जाए, क्योंकि इस ऊंचाई को ना कुछ तो जितने लंबे ये आस्था के पापा खुद हैं उतना लंबा दीवार उठाना है हमें। तो अभी तो ये बस स्टार्टिंग है, और देखिए मैं सुबह से गोंदे बनाने में लगी पड़ी हूँ, ये इतने बड़े बड़े गोंदे हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। कैसा लग रहा है दीवार उठाने में? ये वाली क्या मैं तो वो वाली दीवार भी तो मैंने उठाई थी। ये वाली? हाँ वो तो उठाई तो थी आपने। कैसा लगेगा? तो ये देखिए हमने जो किचन का कमरा स्टार्ट किया है उठाना, वो दुकान वाला जो कमरा है उसके जस्ट बाहर, जहाँ ये मैंने सेम का पेड़ लगाया था, ये थोड़ी सी चौतरी हमने छोड़ दी जैसे कि कंडे लकड़ियाँ रखने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर से पन्नी या फिर टीन से छवा देंगे, ऐसे खाली नहीं रहेगा और कंडे लकड़ी और रखने के काम आ जाएगा। क्योंकि वहीं से अगर दीवार हम स्टार्ट करते, इतनी जगह हमने क्यों छोड़ी, तो इसलिए छोड़ दी हमने जगह क्योंकि जो दीवार हमारी थी बैठका की दीवार वो बहुत नीची थी, और अगर ऊंची करते तो सारा पानी हमारी बैठका वाली यानी दुकान वाली दीवार में जाता, तो इसलिए वहाँ से इतना रास्ता छोड़ दिया इतनी जगह, और यहाँ से स्टार्टिंग हम करने लगे। वैसे भी इतनी जगह में किचन बनाना मतलब बड़ा ही बनेगा किचन, छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है। और मेरे पास तो वैसे भी किचन का इतना सामान भी नहीं है, फ्रिज है तो वो उसी कमरे में रख रखा है दुकान वाले ही कमरे में, तो इतना ज़्यादा सामान भी नहीं होता कि मुझे ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। तो ये देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन पे भी आस्था के पापा मिट्टी लगा दे रहे हैं, और इतना काम करने के बाद हम थोड़ा ठहर जाएंगे क्योंकि इसे सूखने के लिए भी टाइम चाहिए।
ये दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, इधर से देखो ये ठीक है। हाँ उस कोने में भर देना, और चौतरिया के कारण हाँ आपने भरा नहीं है। और बउआ चाट लिया या खा लिया तूने? अभी नहीं खाया, अब जा रहा है। अच्छा ले तो आए 3 प्लेट। ये देखिए हम सबकी चाट आ गई है, चाट आया था समय में, चाट अच्छा आया था बिकने। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैं भी खाती हूँ। स्वादिष्ट। अबे बंद कर दे। अरे अरे दोस्तों आज का काम ख़त्म हो गया है, हाथ मुंह धो लिया है हमने और अब कुछ भी काम नहीं करना है। अब जो भी काम हम करेंगे वो कल करेंगे। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।